हेलो थ क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के साथ की सीरीज को आगे ले जाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019-20 के लेवल टू केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैग्नेट ब्रेन्स के लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एनसीआर टी सी स्टेट बोर्ड एंड ओलंपियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे दो-तीन वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई दूसरी फीस पे नहीं करनी है क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स केयरफुली एक्स वाई एंड जेड कुड बी रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड क्या हो सकता है x जो है ये सबसे कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस है इसको मुझे देख के ऐसा ही लग रहा है सेपरेटिंग फनल में x कम डेंसिटी वाला है उससे ज्यादा y है y से ज्यादा z है देखिए यहां पे देख के समझ आ रहा है है कि नहीं x सबसे कम उससे ज्यादा y उससे भी ज्यादा z चलिए ऑर्डर देखते हैं वाटर सबसे कम उससे ज्यादा अल्कोहल अल्कोहल भाई वाटर से, से हल्का होता है तो एल्कोहल को पहले होना चाहिए ये ऑप्शन यही कैंसिल मस्टर्ड ऑयल ओके मस्टर्ड ऑयल से भारी वाटर ठीक है और वाटर से भारी मर्क्यूरी मर्क्यूरी लिक्विड होती है लिक्विड मेटल है और वो भारी होता है ये बिल्कुल सही है कोकोनट ऑयल से भारी वाटर वाटर से भारी एल्कोहल नहीं एल्कोहल जो है वो वाटर से हल्का होता है ठीक है फिर वाटर सबसे हल्का फिर मर्क्यूरी फिर मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड ऑयल सबसे हल्का होता है इनने यहां पे वाटर को सबसे हल्का दिखा रखा है ये भी गलत ये भी गलत सही ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल वाटर एंड मर्क्यूरी देखिए करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं फिगर्स वन एंड टू रिप्रेजेंट फॉर दिटिंग यू और वी के लिए यहां पे फिगर वन और टू दिए हुए हैं ये हीटिंग हीटिंग ठीक है तो चलो कर्व बोला है तो दो चीजें देख लेते हैं ये यू के लिए है और ये वी के लिए है तो यू का जो मेल्टिंग पॉइंट है जो मेल्टिंग पॉइंट है यू का वो जीरो डिग्रीज है।, है ना जीरो डिग्री सेल्सियस है देखिए मेल्टिंग पॉइंट और वी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है V का मेल्टिंग पॉइंट कितना है इट इज 50 है ना so 50 डिग्री सेल्सियस हो गया V का मेल्टिंग पॉइंट। फिर U का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है U का है ना और V का कितना दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट इट इज 150. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम

इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है तो u का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सबस्टेंस v हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट v का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और सबस्टेंस u हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट सबस्टेंस u का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सही है ऑप्शन d चेक करते हैं ऑप्शन d क्लियर ओके okay. आगे बढ़ते हैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर इज गिवेन पी क्यू और आर के बारे में एलिमेंट्स मतलब पी का देखो क्या दिया है इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विथ जीरो सबसे छोटा एलिमेंट जीरो वैलेंसी के साथ कौन होता है सो पी so हो गया ही जहां जहां भीलियम के साथ ऑप्शन ही है कि यह देखिए एच ई वैसे भी हमें आंसर मिल चुका है फिर भी चेक कर लेते हैं क्यू इट हैज थ्री प्रोटोन मोर देन पी तो Q जो है उसका अटोमिक नंबर तीन ज्यादा होगा हीलियम हीलियम, से, तो बेरिलियम, बोरॉन Q होगा B, देखो Q B आ गया ओके okay? नेक्स्ट S, सो so, uh, उसके बाद R के लिए क्या दिया हुआ है इट हैज वन एक्स्ट्रा शेल एंड हैज थ्री मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन दैट ऑफ Q. ओके okay. इसका मतलब एक एक्स्ट्रा शेल है इसके पास क्या है टू ये है टू कॉमा थ्री और जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टू कॉमा एट एक एक्स्ट्रा शेल बोला ना है और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्यू से तो हो गया फोर मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक शेल एक्स्ट्रा है तो एक शेल एक्स्ट्रा हुआ तो ये अंदर वाला फील्ड हो गया पूरा अब टू एट फोर फोर्टीन किसका होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एक मिनट एक मिनट एक मिनट बोरॉन लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये तो बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इट हैज थ्री 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 प्रोटॉन्स वन एक्स्ट्रा शेल एंड मोर मोर वैलेंस वैलेंस ओके इलेक्ट्रॉन ठीक है ठीक है थ्री मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है तो इसका थ्री है ये सिक्स हो जाएगा उन्होंने थ्री मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है हमने टू एट सिक्स लिख दिया एक एक्स्ट्रा शेल उन्हें बोला ही हुआ था सिक्सटीन हो गया ये तो आ, हमारा क्या हो गया सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर सल्फर मतलब एस एच ई बी और एस ये देखो एस है ना सही है ये. तो उन्हें बोला था ना पे थ्री मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ क्यू तो क्यू से तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हमारा हो गया ये तो ऑप्शन सी है चलिए चेक करें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट गौरव अ क्लास नाइन स्टूडेंट क्लासिफाइड अ फ्यू मिक्सचर्स आर शोन इन द टेबल उनने कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं और ये बोला इनमें से सही कौन से हैं सही गलत कौन से हैं यही निकालने को दिया हुआ जो देख के मुझे लग रहा है इसलिए तो इससे मैं समझा कि या तो सही पूछा होगा या गलत पूछा होगा चलिए ठीक है सो द मिक्सर क्लासिफाइड करेक्टली ठीक है चलो करेक्टली कौन से है? देखो विप्ड क्रीम जो है वो फॉर्म होती है ब्लड जेल नहीं होता भैया ब्लड जेल नहीं है ओके मिल्क इमल्शन है सही है क्लाउड्स एरोसोल है एसिटिक एसिड इन वाटर ये तो सोल्यूशन है इमल्शन तो छोड़ो कोलोइडी नहीं है ये सोल्यूशन है और मडी वाटर सॉलिड सोल बोला हुआ है मडी वाटर एक तरीके से सस्पेंशन भी होता है ठीक है सो वन थ्री एंड फोर सही है चलिए वन थ्री एंड फोर का कॉम्बिनेशन ये रहा ओके नेक्स्ट फोर एटम्स आर रिप्रेजेंटेड एज उनने चार एटम्स दिए हैं अब इक्वल टू जेड थ्री जेड वन जो है, वो Z3 के है और A1 हमारे बट तो इनके मास नंबर अलग है अटोमिक नंबर सेम है मास नंबर अलग है तो अटोमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग वाले कौन सी स्पीशीज होती है so, P, R जो है वो हमारे आइजोटोप्स है ओके, okay. दूसरा क्या दिया है Z2 टू इज इक्वल टू जेड टू इज नॉट इक्वल टू जेड फोर जेड टू और Z4 जो है इक्वल नहीं है मतलब अटोम अलग है A2 टू इज इक्वल टू ए फोर ए टू और ए फोर जो है वो इक्वल है तो डिफरेंट अटोमिक नंबर बट सेम मास नंबर ये क्या होगा आइजो बार्स तो आपके Q और S ये बन गए आइजो बार्स क्लियर ओके सो पी आर आइजोटोप आइसोबार पीआर आइसोटोप क्यूएस पी आर आइजोटोप यही पूछा है हमसे ऑप्शन सी करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं द गिविन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर विथ प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ वॉटर एट पॉइंट एक्स वाई एंड जेड

ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रेशर ज्यादा है तो ये तो हमारा सॉलिड हो गया कम बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा प्रेशर सॉलिड है ओके ठीक है फिर उसके बाद मतलब टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है तो सॉलिड हो गया आगे

वॉटर एग्जिस्ट बोथ इन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट एट पॉइंट और साथ ही साथ इंटरसेक्ट भी कर रही है तो यहां लिक्विड और गैस दोनों मिलेंगे आपको वाई पे है ना लिक्विड और गैस आपको दोनों मिलेंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की लाइन एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रही है उसको तो वाई को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इस पॉइंट पे लिक्विड तो होगा ही साथ ही साथ में गैस भी प्रेजेंट होगा लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना होगा तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर रहे हैं वॉटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट पॉइंट एक्स गलत हो गया क्योंकि यहां सॉलिड है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चेक करते हैं ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेचुरल वाटर इज इम्प्योर एंड नीड्स टू बी प्योरिफाइड बिफोर दिस वाटर कैन बी सप्लाइड टू होम्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज सबसे पहले फिल्ट्रेशन फिर सेडिमेंटेशन फिर डिकेंटेशन फिर एयरेशन नहीं ये गलत है एयरेशन आप आखिर में क्यों कर रहे हो आखिर में तो क्लोरीन डाला जाता है सेडिमेंटेशन ठीक है आपने सबसे पहले चीजों को सेडिमेंट होने दिया भारी चीजों को सेटल होने दिया फिर जो हल्की चीजें रह गई थी उनके लिए आपने लोडिंग किया उसमें एलम ऐड किया ये चैप्टर टू जो है हमारा इज मैटर उसका लास्ट पार्ट है वाटर का प्योरिफिकेशन उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि सेडिमेंटेशन जो था

प्योरीफाई कर दिया पूरे जर्म्स को किल कर दिया ये भी सही दिया हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा बाकी सब में क्लोरिनेशन पहले ही करा दिया है तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन इनमें फिल्ट्रेशन करा दिया फिर सेडिमेंटेशन अब पहले ही फिल्टर कर दिया तो सेडिमेंट क्या होगा अगर आपने पहले ही फिल्टर कर दिया तो फिर क्या चीज सेडिमेंट होगी ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है चेक करते हैं ओके ऑप्शन बी सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

तो ये दोनों माइनस टू सिक्स और माइनस टू फोर्टी सिक्स पे ही ये, आ, गैस बन जाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस वन सिक्सटी टू है मतलब क्यू माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे इधर पे आएगा क्यू फिर और आएगा एस और आएगा टी ये तीनों जो है वो माइनस टू हंड्रेड के बाद आ रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट मतलब माइनस टू हंड्रेड पे ये तीन गैसेस क्यू एस और टी ये लिक्विड स्टेट में होंगी सो क्यू एस और टी लिक्विड स्टेट में वही, मिलने वाले हैं हमें चलिए चेक करते हैं क्यू एस और टी ऑप्शन सी चेक करें सही ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग

एन अपॉन एन नॉट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर ठीक है तो गिवन मास कितना है हमें यही निकालना है और मोलर uh, मास कितना होता है सी थ्री का कैल्शियम इज फोर्टी कार्बन इज ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन इज सिक्सटीन इन टू थ्री थ्री सिक्स एटीन का एट कैरी गेवन थ्री थ्री फोर फोर्टी एट तो फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व कितना हो गया सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड ओके सो कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं देखिए 6.022 टू टू इंटू टेन टू 23 ट्वेंटी क्योंकि कैंसिल होगा टेन टू दावर माइनस वन आएगा ऊपर दैट इज जीरो पॉइंट वन सो एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इन टू हंड्रेड कितना आ गया दस ग्राम ये दस हो गया तो इसका आ गया हमारा दस ठीक है भाई अब नेक्स्ट चेक करते हैं 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 O2 होता है 32 अब 32 होता है एक मोल के लिए आधे मोल के लिए कितना हो जाएगा 16 ओके okay. फिर 10 टू दावर पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 ओके सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन नॉट ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई हमें निकालना है molar कितना कितना हो, होता है है, का, और और इससे ये कैंसिल हो गया सिक्सटीन ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इट वुड कम अराउंड टू पॉइंट सिक्स ओके 2.6 आएगा क्योंकि 6 2 12 और 40 बच रहा है तो 6 6 36 2.6 के आसपास आएगा ये सो इट वुड बी 2.6 ग्राम 1.5 मोल्स ऑफ Ca Ca का मास होता है 40 एक मोल का मास होता है 40 यहाँ पे डेढ़ मोल पूछा है मतलब 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 ग्राम सो बोला है हमको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम है थ्री फिर उससे ज़्यादा है वन फिर उससे ज़्यादा है टू और फिर उससे भी ज़्यादा है फोर थ्री वन टू फोर ठीक है थ्री देन वन देन टू और फिर फोर चलिए चेक करते हैं थ्री वन टू फोर ऑप्शन डी सही है ठीक है ये मैच भी हो रहा है हमारा थ्री वन टू फोर उससे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव लेट ऑफ वेपराइजेशन क्योंकि लेटेंट हिट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी स्टीम तो में ज्यादा होगी वाटर भी सौ डिग्री पे है स्टीम भी सौ डिग्री पे है बट स्टीम ज्यादा क्यों चला रही है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है तो वो एनर्जी कौन सी है हमारी 22.5 10 टू द पावर 5 जूल्स सी करेक्ट आगे एलिमेंट W एक्स एंड वाई हैव वैलेंसीज 1 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली फॉर्मुला यूनिट मासेस ऑफ देयर ऑक्साइड्स आर 62 102 एंड 64 रिस्पेक्टिवली इफ एटॉमिक मास ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द एटॉमिक मासेस ऑफ W X W एंड X देन वैल्यू ऑब्टेंड इज द एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी डैश थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं सबसे पहले इन्होंने बोला है w x और y है ना ये तीन उन्ने हमें एलिमेंट्स दिए हैं और उन्होंने बोला है इनकी वैलेंसी है 1 3 और 4 रेस्पेक्टिवली w की वैलेंसी है 1 x की वैलेंसी है 3 और y की वैलेंसी है 4 ठीक है

चलिए, so W का वैलेंसी है वन, तो w की उन्होंने बोला इसके ऑक्सीजन का, तो तो का मास कितना होता है सिक्सटीन तो सिक्सटी टू में से आप सिक्सटीन हटा दो फाइव फोर ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स को डिवाइडेड बाई टू करो क्योंकि डब्ल्यू दो है तो ट्वेंटी थ्री और 23 मास किसका होता है सोडियम का होता है तो ये तो हमारा बन गया Na2O और सोडियम का मास है यहाँ पे 23 ठीक है या हमारा पहला निकल गया चलिए भाई पहला निकल गया दूसरा आता है X X की वैलेंसी उन्होंने बोली है 3 ऑक्सीजन की होती है 2 क्या बनाता है X2O3 ऑक्सीजन कितने हैं तीन तो तो से से का कितना है आप आप हट, हटा दो दो और को अब डिवाइड कर दो क्योंकि x दो है तो भाई 48 तो भाई O का मास हो गया पूरा अब बचा हुआ जो भी मास होगा वो x का होगा टू टाइम्स तो 54 फोर डिवाइडेड बाई टू कितना होता है 27 27 मास किसका होता है 27 मास होता है एल्युमिनियम का तो ये बन गया Al2O3 एल्युमिनियम का मास है मास है 27 ठीक है आखिरी आता है y जिसका मास है जिसकी वैलेंसी है 4 ओके सो so y की वैलेंसी है 4 ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 ठीक है तो ये कितना बन गया y2O4 इसको सिंपल फॉर्म uh, में लेके आओगे तो 2 1 2, 2 2 2 4 ये बन गया YO2 बन गया YO2 ठीक है अब yo2 में आप देखो ऑक्सीजन 32 है है ना और टोटल है 64 तो 64 32 कितना हो गया 4326543 32 32 मास किसका होता है 32 मास होता है हमारा आ, सल्फर का है ना सो ये हो गया so2 मगर इनमें बोलिए वैलेंसी एक मिनट 4 और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर -2 होती है उसकी वैलेंसी सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और उसका मास भी 32 होता है तो सिलिकॉन यह हमारा SiO2 हो गया वैसे आपको एक बात बता दें कि यहां पे SiO2 जो है सिलिकॉन का हम ये कंसिडर कर सकते हैं वैसे उसका मास इज 28 ओके okay? तो जो मास आता है टोटल कंपाउंड का वो 60 आता है बट एज इट इज यह क्वेश्चन जो है वो आ, हमारे

कलर ऑफ प्लाज्मा किस पर डिपेंड नेचर होगा जैसा चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो इन करेक्ट स्टेटमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे चलिए देखते हैं 56 हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या तरीका है एन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन मास कितना दिया है 56 मोलर मास देखो कितना है 56 कैंसिल करो आ गया वन इसका मतलब ये वन मोल है 18.9 ग्राम ऑफ एच थ्री ठीक है 18.9 ग्राम ऑफ एच थ्री सो हमें निकालना है 18.9 ग्राम ऑफ गिवन मास है अब मोलर मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन इज वन नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16 three. Three, 18 का थ्री गया वन फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्सटी थ्री चलिए सो एटीन पॉइंट नाइन एंड सिक्स जीरो

थ्री सिक्स एटीन और फिर जीरो 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 चार बार छीरो तीन चार एक दो तीन चार वन पॉइंट एट इन 1.8 टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री इतने तो पूरा मॉलिक्यूल्स है अब एक मॉलिक्यूल में एटम्स है कितने है, तीन चार पांच

तीन के बाद एक, दो तीन एटीन इसके जीरो हमने थ्री फोर फाइव फाइव इट फोर्टी फाइव फाइव सिक्स एट नाइन बिल्कुल सही है ये आ गया और लास्ट में दो मोल्स दो मोल्स में कितने होते हैं 12.044 into 10 to the power 23 तो सबसे ज्यादा किस में दिख रहे हैं हमें power 23 सब में है 918 ये ये वन मोल ऑफ CO2 में सबसे ज्यादा है क्या है CO2 का ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री इज करेक्ट देखिए ओके आगे बढ़ते हैं

y में माइनस टू है माइनस टू है और x में है फोर तो ये तो नॉर्मल फोर है शेयरिंग कर लेगा ठीक है भाई चलो तो अब इनमें से फॉर्मूला कौन सा सही होगा ठीक है देखते हैं जेड थ्री वाई तो z3 z3 मतलब z है प्लस वन तो यहां हो गया प्लस थ्री एक्स है फोर एक्स से फोर मतलब चार टाइम्स फोर फोर सौ सिक्सटीन इतने का क्या करेंगे और y सिर्फ एक ही है मतलब नेगेटिव चार्ज है माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन और वो सिक्सटीन तो चार है मेरे पास x चार वैलेंसी वाले चार है अरे शेयरिंग कैसे करेंगे इतनी सारी शेयरिंग की तो जरूरत ही नहीं है कैंसिल करो इसको ये देखो एक्स जेड टू वाई थ्री मतलब y की वैलेंसी कितनी है माइनस टू तो माइनस टू इन टू थ्री माइनस सिक्स Z की है दो प्लस वन मतलब प्लस टू तो प्लस टू माइनस सिक्स कितना होता है? फोर, और X की है फोर तो इनकी शेयरिंग हो जाएगी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स में यह हमारा करेक्ट फॉर्मूला है ठीक है यह हमारा करेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि इसकी बाकी बचे हुए की शेयरिंग हो जाएगी कैसे लाइक देखिए जेड Z हमारे पास दो है X एक है और Y तीन है Y के आउटर में एक, दो, तीन चार पांच दो, तीन चार पांच इसको कर दो आप एक दो तीन चार पांच Z के पास मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है है ना तो ये दो है हमारे पास X के पास मोस्ट शेल में कितने हैं एक दो तीन चार ठीक है ये एक इसके साथ शेयर करो ये इसको दिया ठीक है so, आप समझ लो, ये हो गया, या आप एक चीज और कर सकते हो X के पास ये दो इलेक्ट्रॉन रहने दो इन दोनों Z को Y को दे देने दो Z लोगों ने Y को दे दिया Y के एक दो तीन चार पांच छे और दो Z से मिल गए आठ हो गए ये वाला Y स्टेबल ये Z भी स्टेबल ये वाला Z भी स्टेबल

y के इन दो के साथ शेयर हो गए ऐसे है ना सो so, देखो x को कितने मिल गए x को कितने मिल गए दो इस वाले वाले y y से से दो इस इस चार चार खुद के पास थे हो गए आठ y को दो x से मिल गए इस y को दो x से मिल गए ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल सबके आठ आठ हो गए फॉर्मूला हमारा b सेट हो गया पहले ठीक है सो ऑप्शन बी करेक्ट चलिए इसी के साथ हमारा यहां पर पीवाई क्यूज लेवल टू कंप्लीट होते हैं अब जल्दी से आपको यह बता दिया जाए कि आप सीक्वेंस में अपने वीडियोस को कैसे देख सकते हैं अगर आपको मैग्नेट ड्रेन्स के वीडियो सीक्वेंस में यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहला सजेशन होगा कि आप प्लेलिस्ट को सर्च करें फिल्टर में प्लेलिस्ट लगाएं, फिर अपने वीडियोस को ढूंढने आपको पूरे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे फिर भी नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं आप मैग्नेट ड्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू जाइए वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरे कोर्सेज दिखेंगे ये कोर्सेज में आप ओलंपियाड को क्लिक कर दीजिए जैसे आप ओलंपियाड को क्लिक करेंगे नाइन टेंथ का ऑप्शन आएगा आप नाइन्थ पे क्लिक करिए नाइन्थ क्लास के वीडियोस ओपन हो जाएंगे आपने जो सब्जेक्ट देखना है जो पढ़ना है वो आप यहां से पढ़ सकते हो केमिस्ट्री में वॉच नाव पे क्लिक करिए फॉर एग्जाम्पल वॉच नाउ पे क्लिक किया तो हमारे सामने वॉच नाउ वॉचनाओ करते ही पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा नीचे चैप्टर्स डले होंगे आप चैप्टर्स पर क्लिक करिए एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा ड्रॉप बॉक्स में सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगे वीडियो क्लिक पे क्लिक करिए करिए वॉच नाउ यहां आपका वीडियो ऑन हो जाएगा आप प्ले करके आराम से अपना वीडियो देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सीबीएसई स्टेट बोर्ड एन ओलंपियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको हंड्रेड परसेंट फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे दो तीन वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हंड्रेड परसेंट फ्री है सो so आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स अपने रिलेटिव्स और अपने पियर ग्रुप के साथ सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन थैंक यू